आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में कृषि। नवीनतम आर्थिक समीक्षा के हिसाब से 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सी फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा हम इस टॉपिक में राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश देखेंगे। पुराने आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर हम नवीनतम अपडेट डेटा के साथ में ये क्लास रहेगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? प्रति 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या नियमित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रति 5 वर्ष के अंतराल से कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रति 5 वर्ष के अंतराल से कृषि गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और सबसे अंतिम 10वीं कृषि गणना की गई थी 2015-16 में, उसके बाद में अभी तक कृषि गणना नहीं की गई है। और कृषि गणना के लिए संदर्भ अवधि महीना होता है जून व जुलाई के महीने के अंदर की जाती है और प्रति 5 वर्ष के अंतराल में कृषि व सहकारिता विभाग द्वारा की जाती है। और अंतिम 10वीं कृषि गणना की गई थी 2015-16 में, उसके बाद में अभी तक कृषि गणना नहीं की गई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है? 52%, 62%। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान की कुल 62% जनसंख्या कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योग को, कृषि को या व्यापार को? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, कृषि। संपूर्ण देश व राजस्थान की कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर होती है, इसलिए कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जैसे राजस्थान में कृषि का 65% भाग खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है और ये 65% भाग खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है जो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होता है। किस पर होता है? वर्षा पर निर्भर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीजन की फसल होती है? तो राजस्थान में 3 सीजन की फसल होती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। कृषि फसलों का वर्गीकरण यदि मौसम के आधार पर करें तो 3 सीजन होती है, एक खरीफ की सीजन होती है, एक रबी की सीजन होती है और एक जायद की सीजन होती है। अगर खरीफ की फसलों की बात करें जो मुख्य रूप से जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है, यानी कि दीपावली के आसपास काटी जाती है खरीफ की फसल। उसके बाद में रबी की फसल जो मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और उसके बाद में जायद की फसल ये मुख्य रूप से मार्च और मई के मध्य होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? चावल एक खरीफ की फसलें हैं, गेहूं एक रबी की फसल है, बाजरा एक खरीफ की फसल है और चना एक रबी की फसल है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व 3। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में कौन कौन सी रबी की फसल है, कौन कौन सी खरीफ की फसल है। ज्यादातर इनके उदाहरण में से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर पूछे कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है, जो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में यह काटी जाती है दीपावली के आसपास, यानी कि यह मुख्य रूप से वर्षा काल में की जाने वाली कृषि होती है खरीफ की फसलें। इसके उदाहरण की बात करें खरीफ की फसलों की, तो इसमें ज्वार, ज्वार, बाजरा, गवार, गवार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिलन, सोयाबीन, अरंडी, ये मुख्य रूप से फसलें हैं। यानी कि खरीफ की फसलें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, गवार, मूंगफली, मोठ, मूंग,
मक्का, कपास, तिल, सोयाबीन और अरंडी। अब प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि खरीफ की फसलें तिलन है, तिलन मतलब जहां से तेल निकाले जाते हैं, यानी कि कौन सी खरीफ की फसल तिलन है जिससे तेल निकाले जाते हैं। एक तो मूंगफली, एक तिल और एक सोयाबीन और एक अरंडी, ये मुख्य रूप से खरीफ की तिलनी फसल है जहां से तेल निकाला जाता है। और इसके अलावा रबी की फसल पूछे कि रबी की फसल कौन कौन सी है। रबी की फसल जो मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, यानी कि होली के आसपास काटी जाती है। इस रबी की फसल कौन कौन सी है आपसे उदाहरण पूछे तो चना, गेहूं, मटर, सरसों और इसके अलावा जो, जीरा, अलसी, तारामीरा और राई, ये प्रमुख रबी की फसलें हैं। और इनमें से तिलन फसलें कौन सी जहां से तेल निकाला जाता है रबी की फसल, तो सरसों है, अलसी है, तारामीरा है और राई है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, ये अभी लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, मोठ, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं, खरीफ की या रबी की। तो इसका राइट आंसर होगा मोठ, ग्वार, ज्वार, बाजरा, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। किसकी है? खरीफ की फसलें। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। वापिस रिपीट करता हूं, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिलन, सोयाबीन और अरंडी, ये प्रमुख किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी तिलन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। तिलन मतलब जिससे तेल निकाला चाहो और वह रबी के मौसम में बोई जाती है। सरसों, तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, सरसों जो कि एक रबी की फसल है। सरसों के दो, अलसी के दो, ये अपने नोटबुक में लिख लेना, आने वाले एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरसों, अलसी, इसके अलावा तारामीरा और राई, ये चारों तिलन की फसलें रबी की फसलें हैं। सरसों, अलसी, तारामीरा और राई, इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन, तिल और एक अरंडी, ये चारों तिलन की फसलें खरीफ की फसलें। किसकी है? खरीफ की फसलें, याद रखना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। कौन सी प्रश्न पूछा कि रबी की फसल नहीं है। गेहूं एक रबी की फसल है, चना एक रबी की फसल है, जो एक रबी की फसल है, लेकिन बाजरा एक खरीफ की फसल है। किसकी है? खरीफ की फसल। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का, बाजरा एक खरीफ की फसल है। और मैंने सभी उदाहरण लिखवा दिए। एक बार वापिस रिपीट करता हूं कि रबी की कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, जीरा है, तारामीरा है और राई है, ये सभी किसकी फसलें हैं। और एक मसूर, मसूर दाल है, ये भी किसकी है? रबी की फसलें। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल का उदाहरण है, अभी रीट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो रबी किसकी फसल है, सॉरी उदाहरण है, मक्का एक खरीफ का है, सोयाबीन एक खरीफ का है, मूंगफली एक खरीफ का है, लेकिन अलसी किसका है? रबी का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। क्या पूछा? खरीफ की फसल नहीं है। चावल एक खरीफ की फसल है, ज्वार एक खरीफ की फसल है, मक्का एक खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं एक रबी की फसल है। किसकी है? रबी की है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, यानी कि ये लेटेस्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, ये 2023 में प्रश्न पूछा, रबी की फसल है जूट, गेहूं, बाजरा या मूंगफली। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं किसकी है? रबी की फसल है। बाजरा एक खरीफ की है, मूंगफली है, जूट है, ये सभी, जूट तो राजस्थान में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये किसकी फसलें हैं? खरीफ की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है। नकद फसल का मतलब होता है व्यापारी फसलें, इनकी जिसका उपयोग स्वयं के लिए नहीं बाजार को बेचने के लिए किया जाता
और लाभ उठाने के उद्देश्य से उगाई जाती है उसे बोलते हैं नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें, जो मुख्य रूप से कपास, गन्ना, जैसे कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, जैसे गन्ना से चीनी उद्योग के काम आती है, इनकी चीनी बनती है, गुड़ बनता है, इसके अलावा रतन जोत, और इसके अलावा मूंगफली से तेल निकाला जाता है जो अलग अलग फैक्ट्रियों में जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, कपास, गन्ना, रतन जोत, मूंगफली, ये सभी नकद फसलें हैं या व्यापारिक फसलें हैं, जिसका उद्देश्य है यानी जिसका उपयोग स्वयं उपयोग ना करके इसे बाजार में बेचा जाता है और उससे लाभ उठाया जाता है, और इसी उद्देश्य के साथ में इन फसलों को उगाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर, यानी कि ये दो बार एग्जाम में पूछ लिया, एक 2022 के सेकंड ग्रेड एग्जाम, एक थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में पूछा गया, यानी कि ये एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया। इसका मतलब मैं आपको कहता हूं कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं और आसपास की जो भी जानकारी दे रहा हूं ना, वो आप पढ़ लेना, मैं कहता हूं कि आपके 95% यही से क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब मार्च और जून के महीने में इनके मध्य मुख्य रूप से जायद की फसलें उगाई जाती हैं, और इसमें मुख्य रूप से उदाहरण के लिए जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है और सब्जियां हैं, ये मुख्य रूप से मार्च से जून के महीने में जायद की फसलों उगाई जाती है। इसके अलावा पीछे मैंने बताया था आपको कि खरीफ की फसल की अवधि मैंने बताई थी कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, दीपावली के आसपास खरीफ की फसलें काटी जाती है। उसके बाद मैंने बताई थी कि रबी की फसल जो मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और जायद की फसल जो मार्च से लेकर जून के मध्य इसकी पैदा होती है। तो तीन तरह की मैंने सीजन बताई थी राजस्थान में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तरबूज किया जाता है, खरबूज किया जाता है, ककड़ी की जाती है, लेकिन सोयाबीन, सोयाबीन किसकी फसल थी? तो सोयाबीन एक खरीफ की फसल थी, न कि एक जायद की फसल थी। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर, ये सीईटी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वाडरा कृषि का एक प्रकार है, तो राजस्थान में वाडरा कृषि स्थानांतरण कृषि को वाडरा कृषि के नाम से जाना जाता है। ये स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वन अधिक हो, उन वनों को काटकर, उन पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ किया जाता है, तत्पश्चात वहां दो या तीन वर्षों तक खेती की जाती है, इनकी कृषि की जाती है, उसके बाद में उस भूमि को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर वापस से उन वनों को, पेड़ पौधों को काटकर जलाकर जमीन को साफ किया जाता है, फिर दो तीन वर्षों तक कृषि की जाती है, उन कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में इस कृषि को वाडरा कृषि के नाम से जाना जाता है। इस स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्लेज व बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे राजस्थान में मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं वाडरा कृषि। क्या बोलते हैं? वाडरा कृषि। जो अलग अलग जैसे मिलों के द्वारा मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं? यानी कि स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? दजिया बोलते हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलों के द्वारा यानी कि पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में मिलों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे बोलते हैं चिमाता। क्या बोलते हैं? चिमाता। और राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वाडरा कृषि के नाम से जाना जाता है। तो तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो वाडरा कृषि के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में होती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इन क्षेत्रों में होती है। अगर पूछे कि भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। अगर बिलों के द्वारा मैदानी भागों में
स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा दजिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये अपने नोटबुक में लिख लेना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वनों को काटकर एवं जलाकर की जाने वाली कृषि को कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो स्थानांतरण कृषि की जाती है, जो वनों को काटकर जलाकर उस जमीन को साफ करके दो या तीन वर्षों तक जो खेती की जाती है उसे बोलते हैं वालरा कृषि। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र में की जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र में। स्थानांतरित कृषि को वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है, और इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान में स्लेज तथा बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिलों में वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? तो ये मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का, यानी कि ये अधिकांश एग्जामों में ये इस प्रकार की कृषि पूछी जाती है। अगला, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? मीणा, भील, ग्रास्य या सहरिया? तो इसका राइट आंसर होगा भील जनजाति से संबंधित है। भीलों के द्वारा जो मैदानी भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे बोलते हैं दजिया। ये याद रखना, क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे बोलते हैं चिमाता। क्या बोलते हैं? चिमाता। तो पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता कहा जाता है, और मैदानी क्षेत्रों में भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है, और राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जाना जाते हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में की जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए? उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, यानी कि आपसे क्षेत्र पूछा जा सकता है, जिले पूछे जा सकते हैं, कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? क्या प्रश्न पूछा? भील जनजाति के द्वारा मैदानी भागों में, और यह अभी लेटेस्ट सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में प्रश्न पूछा, तो इसे क्या कहा जाता है? मैदानी भागों में दजिया कहा जाता है। अगर पूछे कि राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो आपका आंसर होगा चिमाता। तो इसमें क्या पूछा है? मैदानी भाग, तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का, दजिया। अगर पूछे कि पहाड़ी क्षेत्र, तो आपका आंसर होता है चिमाता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या पूछा है? पहाड़ी क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर होगा चिमाता। और मैदानी पूछे तो आपका आंसर होगा दजिया। और राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उनके रूप में जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को, क्या बोलते हैं? वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां 50 सेमी से कम वर्षा होती हो? इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में शुष्क खेती प्रचलित है, क्योंकि यहां पर बरसात की मात्रा बिल्कुल कम होती है। राजस्थान किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। अगला क्वेश्चन, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो
इसका राइट आंसर होगा सरसों, चना और मटर। लेकिन वर्तमान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान का प्रथम स्थान किसमें, सेकेंड स्थान किसमें और थर्ड स्थान किसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कौन सी फसलों में प्रथम स्थान है। तो एक नंबर बाजरा के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है, सरसों के अंदर ये लिख लेना, सरसों के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है, कुल तिलन उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है और ग्वार में प्रथम स्थान है। यानी कि राजस्थान का आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान का प्रथम स्थान बाजरा में, सरसों में और ग्वार में और कुल तिल उत्पादन में, इन चारों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा स्थान किसमें, तो राजस्थान का दूसरा स्थान एक तो मूंगफली में और एक कुल पोषक अनाज में राजस्थान का दूसरा स्थान है। अब राजस्थान का तीसरा स्थान किसमें, तो राजस्थान का तीसरा स्थान सोयाबीन में है, चना में है, ज्वार में है और कुल दलहन के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो आपको ये तीनों बातें याद रखना, राजस्थान का प्रथम स्थान कौन सी फसलों में, बाजरा में, सरसों में, ग्वार में और कुल तिलहन में, दूसरा स्थान पोषक अनाज और मूंगफली में और तीसरा स्थान सोयाबीन, चना, ग्वार और कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ये तीनों बातें याद रखना, आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अर्थात राजस्थान में प्रथम स्थान कौन सा है। तो वर्तमान में भी सरसों का प्रथम स्थान है, इसके अलावा बाजरा का प्रथम स्थान है, इसके अलावा कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है, इसके अलावा ज्वार में प्रथम स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर, और मूंगफली में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादन है। अब राजस्थान में राई और सरसों का उत्पादन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में राई व सरसों का सर्वाधिक उत्पादन अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर जिले में होता है। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। आज के लिए इतना ही, मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, एक अच्छा सा कमेंट करना और अन्य दोस्तों के साथ में भी इस क्लास के बारे में जरूर सूचना देना। आप सबका धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ।